तो कैसे हो दोस्तों, एक और व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम अपने इस व्लॉग में आपको जामा मस्जिद घुमाने के लिए लेके आए हैं, और जामा मस्जिद के साथ साथ इसका चोर बाजार और आपको कुछ अपनी इस्लामिक चीज़ें भी दिखाएंगे, जो कि शाहजहाँ ने ख्वाब में हमारे नबी की ज़ियारत करी थी, वो भी दिखाएंगे कि वो जगह कहाँ पर है जामा मस्जिद में। और साथ में देखिए, ये पीछे मेरे जामा मस्जिद का गेट है जहाँ से एंट्री है, और जस्ट इसके सामने लगता चोर बाजार है। तो यही जामा मस्जिद का वो चोर बाजार है जहाँ से लोग सामान खरीदते हैं, बहुत सस्ता सामान मिलता है वहाँ। बाद में जाएंगे, पहले चलते हैं जामा मस्जिद में और आपको वो चीज़ें दिखाते हैं जो कि जामा मस्जिद के अंदर है। तो भाई देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ जामा मस्जिद पर कैसा सब कुछ रहता है। यहाँ पर जूते रखने के पैसे सब कुछ दिए जाते हैं। और जस्ट देखिए, पूरी दिल्ली आपको जामा मस्जिद और उसकी मीनार से, अगर आपको पूरी दिल्ली का नज़ारा देखना है तो जामा मस्जिद की मीनार का टिकट लेना होगा, जो कि 50 रुपये का टिकट है। और देखिए, मैं आपको दिखाऊं जामा मस्जिद से दिल्ली और लाल किला कैसा दिखता है। फाइनली जो है, मैं जामा मस्जिद के अंदर आ गया हूं। और देखिए, यहां पे काफ़ी धूप है, जो इसका जो फर्श और पत्थर से बना हुआ है वो जो है पैर जल रहे हैं काफ़ी, और सब लोग जो वजू कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये जामा मस्जिद है। और आपको मैं वो जगह भी अब दिखाऊंगा, पहले मैं वजू कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वो पाके जगह दिखाऊंगा जिसमें शाहजहाँ को ख्वाब में हमारे नबी की तामीर हुई थी। तो शाहजहाँ फिर जामा मस्जिद में आया था और उसने कहा था कि इस जगह उसने ख्वाब में हमारे नबी को देखा था। अब जाके कुछ सहूलियत सी मिली, इतना गर्म पत्थर हो रहा है वो जाके। ये वो जगह है जो हमारे नबी पाक को देखा था शाहजहाँ ने अपने ख्वाब में, और फिर इसी जगह को किसी ने बंद करवा दिया। इस पर ताला लगा हुआ है और चारों तरफ से इसकी घेराबंदी करी हुई है। और इसी जगह जो है हमारे नबी की उन्होंने सपने में तामीर करी थी शाहजहाँ ने, और यहीं देखा था। तो आए अगले दिन और इसको जो है यहाँ कवर करवा दिया उन्होंने, और उस दिन से लेके आज तक ये कवर ही है। सामने जामा मस्जिद का बड़ा गेट है, जो बताते कि इसके ऊपर का जो हिस्सा वो जर्जर हो गया है। चलिए, मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा भी और दूसरी तरफ इसका व्यू भी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो है अंदर नमाज हो रही है, और सामने जामा मस्जिद, और इसके साथ में इसके चारों गेट खुले हुए हैं। एक गेट ये है, ये इसकी वो मीनार है जिसमें टिकट लेके एंट्री होती है। और जस्ट देखो इसका ये इधर दूसरा गेट जो इधर है, और इसका ये मेन गेट जहाँ से हम अंदर आए थे। 40 डिग्री जो है टेम्परेचर है, और वो इतना पैर जल रहे हैं, तो जिसके लिए इस तरह की सिंगल दरी बिछाई हुई है जिस पर लोग चल रहे हैं और जा रहे हैं। ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है अंदर खड़े रहने में, बहुत ज़्यादा। मीनार पे अभी जा नहीं रहे क्योंकि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब है। तो जामा मस्जिद के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, ये इसके बाहर की वीडियो है। चलिए, अब चलते चोर बाजार की। अनिल भाई जामा मस्जिद के बाहर जो आ गए हैं, और जूते पहनने के बाद इतना सुकून मिला है, इतने जो इसका जो पत्थर है वो लाल बलुआ पत्थर है जिसपे इतने पैर जल रहे थे, इतने पैर जल रहे थे। और अब जो है आपको दिखाते हैं हम जामा मस्जिद का बाजार, वहाँ क्या क्या बिकता है और क्या क्या होता है। यहाँ से जो है इसका बाजार स्टार्ट हो जाता है। तो इधर से आपको दिखाएंगे यहाँ क्या क्या मिलेगा आपको, और क्या क्या आप पी सकते हो, खा सकते हो। तो भाई ये देखिए, यहाँ से अपना जामा मस्जिद का बाजार स्टार्ट होता है। तो
ये सब जामा मस्जिद का बाजार काफी लंबा बाजार लगता है। सबसे ज्यादा मजा आता है यहाँ कपड़े खरीदने में आता है। एक से एक कपड़ा आपको मिलेगा और जूते की एक से एक वैरायटी, साथ में इत्र वगैरह, आईफोन DSLR के कवर और उनके गैजेट, ड्राई फ्रूट मार्केट भी इसके साथ में लगती है। तो भाई यही था जामा मस्जिद का बाजार आपने जो देखा, और इसके साथ साथ जो है बहुत भीड़ रहती है यार डेली, और संडे इनका आप आने की भूल से भी कोशिश मत करना अपनी गाड़ी से, वरना आपकी गाड़ी कहाँ और आपका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतने ज्यादा तो यहाँ चोर घूमते रहते हैं और साथ में शरबत वगैरह कुछ भी इंजॉय करना तो किराए से आइए। ₹5 और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा अच्छा लगा व्लॉग तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।